स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा कैथल शहर का है, जहां पर तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा पूरे उफान पर है। देखिए कैसे एक ट्रैक्टर पर कुछ युवा किसान लदे हुए हैं और ट्रैक्टर की मदद से पुलिस के सभी बैरिकेड्स को तोड़ आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज कैथल में किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और बीजेपी विधायक लीला राम गुज्जर के आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए किसानों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कमलेश डांडा के घर के बाहर खूब बवाल काटा और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को ट्रैक्टरों की मदद से तोड़ डाला। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भाजपा नेताओं और सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष यूं ही जारी रखेंगे। लीला राम जी और कमलेश डांडा जी का दोनों को घर का घेराव करेंगे। और जब ये कह रहे थे भी ये तो आतंकवादी है, वो है भी तेरा वर्ण आ रहे हैं, तू आज ये बता दे कौन सा आतंकवादी है, तू नाम दर देख का भी, इतने हजारों की संख्या में एक आदमी को उंगली रख दे आतंकवादी। आतंकवादी नहीं, हम अन्नदाता हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो तीन अध्यादेश भारत किए कोरोना की आड़ में, कोई भी कानून करने से पहले सबकी राय होती है, इसी क्या जल्दीबाजी थी एकदम अध्यादेश लगा कर इनको कानून बना दिया। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है ये एजेंट है अडानी अंबानी का, ये प्रधानमंत्री नहीं है। आज किसान का अन्नदाता भूख हड़ताल पे बैठा है, जा रहा है मुख्य रूप से ये जो लीला राम जी है और बाद में कमलेश डांडा को भी जाएंगे। आज मुख्य रूप से खेती बचाओ देश बचाओ हमने संघर्ष समिति बनाई हुई है, ये उसकी तरफ से घेराव किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद ये है, बीजेपी की जो लोग हैं उनको सिखाया ये जाते हैं, उनका कल्चर ही है ये, वो निकम्मापन है उनका, वो भद्दी जो है उनकी आवाज़ में बोलते हैं। हमारा जो एजिटेशन जो किसानों का चला हुआ है उनको आतंकवादी बताते हैं, उग्रवादी बताते हैं, और इससे पहले भी उन्होंने एक समुदाय पर गलत टिप्पणी की थी, इसलिए इनका व्यवहार ही ऐसा है। इसलिए हम इनको आगाह करने आए हैं कि आपने जो वो शब्द कहें वो आपने शब्द वापस ले, अन्यथा आपका विरोध ये जारी रहेगा, मुख्य रूप से हमारा ये मतलब है। साथ ही किसान नेताओं का ये भी कहना था कि कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक लीला राम गुज्जर ने किसानों को आतंकवादी तक कह डाला था, जिसे किसानों में उनके प्रति खूब रोष है। ऐसे में उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य मंत्री का निवास स्थान अक्सर सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर कई बार आंगनबाड़ी वर्करों के साथ भी पुलिस द्वारा हाथापाई हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता में क्या हल निकल कर सामने आएगा। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी।